Hello student, today I am going to explain you the remaining part of evolution. Mutation theory. Theory was proposed by Hugo de Vries in 1902. इस थ्योरी को यूगो डी वेरीज ने 1902 में प्रपोज किया था. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, न्यू स्पीशीज अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस. जितनी भी नई स्पीशीज है उनका ओरिजिनेशन जो होता है पुरानी स्पीशीज से होता है. बाय सिंगल जनरेशन, बाय सडनली चेंजेस. एक सिंगल जनरेशन के द्वारा एटमॉस्फेयर में अगर कोई सडनली चेंजेस होता है तो उसके द्वारा न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस होती है या ओरिजिनेट होती है. दी सडनली चेंजेस वर कॉल्ड म्यूटेशन. ये जो सडनली चेंजेस हुए थे उसको म्यूटेशन कहा गया था. विच अकर्स ड्यू टू द सडन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन. ये जो सडनली चेंजेस होते हैं वो जीन के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस हो जाने के कारण होते हैं. इवोल्यूशन इज द डिसकंटिन्यूस और जर्की प्रोसेस. इवोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वो जर्की प्रोसेस है, झटके के साथ होती है, मतलब सडनली होती है और ये कंटिन्यूस ना होने वाली प्रोसेस है. ही हैड टेकन इवनिंग प्रिमरोज ओइनोथेरा लेमार्कियाना फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. उन्होंने अपने प्रयोग के अंदर इवनिंग प्रिमरोज ओइनोथेरा लेमार्कियाना का प्रयोग किया था. नेक्स्ट वन द सेलियंट फीचर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी. इस थ्योरी के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको डील करेंगे. फर्स्ट वन, म्यूटेशन अराइजेस सडनली इन द जर्म प्लाज्मा ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगर किसी ऑर्गेनिज्म के जर्म प्लाज्मा में कोई चेंजेस हो जाता है सडनली तो उसको म्यूटेशन कहते हैं, जिसके द्वारा न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट होती है. सेकेंड, म्यूटेशन में भी हार्मफुल और बेनिफिशियल. जितने भी म्यूटेशन होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि बेनिफिशियल हो, उसमें कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं. थर्ड वन, ओनली दोज म्यूटेशन आर हेरिटेबल दैट अकर इन जर्म प्लाज्म. वे म्यूटेशन ही हेरिटेबल होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के जर्म प्लाज्मे में कोई म्यूटेशन हो या सडनली चेंजेस हो तो वही जो म्यूटेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होंगे. नेक्स्ट वन, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ म्यूटेशन. जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये म्यूटेशन को इनहेरेंट करने की टेंडेंसी रखते हैं. लास्ट वन, म्यूटेशन आर गवर्न बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ये जो म्यूटेशन की प्रोसेस है नेचर के द्वारा सिलेक्ट की जाती है, नेचर के द्वारा कंट्रोल की जाती है. वेरिएशंस, डिफरेंसेस फाउंड इन अ स्पीशीज और इन अ कम्युनिटी आर कॉल्ड वेरिएशन. जब स्पीशीज के बीच में डिफरेंसेस पाए जाते हैं या कम्युनिटी के बीच में जो डिफरेंस पाए जाते हैं उनको वेरिएशंस कहते हैं. दीज वेरिएशन आर स्टोर्ड इन ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसफर इन टू जनरेशन टू जनरेशन. ये जो वेरिएशंस होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टोर हो जाते हैं और यही जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं. दस फाइनली इट बिकम अ न्यू स्पीशीज, जिसके कारण लास्ट में जो न्यू स्पीशीज अराइज होती है. सोर्सेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस. जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं उसके क्या क्या सोर्सेज या स्रोत हैं आप वो देखेंगे. फर्स्ट वन, म्यूटेशन सडनली चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल. जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें सडनली जो चेंजेस होते हैं उसको म्यूटेशन कहते हैं. नेक्स्ट वन, रीजन ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण. फर्स्ट वन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन. अपन अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंजेस हो जाते हैं, जैसे नॉर्मली एक सेल के अंदर जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो उसके कारण जो म्यूटेशन होता है उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं. देयर आर मेनी काइंड ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन. फर्स्ट वन, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. यदि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाता है तो उसके द्वारा जो म्यूटेशन प्रोड्यूस होता है उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहेंगे. फर्स्ट वन, लॉस अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स. यदि किसी क्रोमोसोम्स का कोई पार्ट का लॉस हो जाता है तो उसको डिलीशन या डेफिशिएंसी कहते हैं. नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स. यदि किसी क्रोमोसोम में कोई न्यू पार्ट ऐड हो जाता है तो उसको डुप्लीकेशन कहते हैं. नेक्स्ट वन, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स. यदि दो क्रोमोसोम्स के जो सेगमेंट है आपस में एक्सचेंज हो जाएं तो उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. नेक्स्ट वन, ड्यू टू रिवर्स ऑर्डर ऑफ जीन्स इन अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और जीन्स.
जैसे क्रोमोसोम्स के जो पार्ट होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, उसी तरह से ये जो पार्ट्स का जो सीक्वेंस है अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उस प्रोसेस को इन्वर्जन कहते हैं। सोर्सेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, अब देखेंगे कि जेनेटिक वेरिएशन के क्या क्या सोर्सेस हैं। फर्स्ट वन म्यूटेशन, सडनली चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। यदि जेनेटिक मटेरियल में कोई सडनली चेंजेस हो जाता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन रीजन ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण। फर्स्ट वन क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यदि क्रोमोसोम्स में किसी तरह से कोई चेंजेस आते हैं तो उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। देर आर मेनी काइंड। फर्स्ट वन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यदि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई सडनली चेंजेस हो जाते हैं तो वो म्यूटेशन का कारण बनते हैं। बी चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के नंबर या डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए तो उसके कारण भी म्यूटेशन प्रोड्यूस होता है। जनरली अपनी जो सेल होती है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। यदि 46 से इंक्रीज होकर 47 हो जाए या डिक्रीज होकर 45 हो जाए तो उस कंडीशन में म्यूटेशन प्रोड्यूस होता है। बी जीन म्यूटेशन, सडनली चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन मींस डीएनए। अगर डीएनए या जीन्स में कोई सडनली चेंजेस हो जाते हैं तो उसको जीन म्यूटेशन कहते हैं। सेकेंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इट टेक्स प्लेस थ्रू द एक्सचेंज ऑफ सेट ऑफ जीन्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके जो सेगमेंट हैं उनका एक्सचेंज होता है, मतलब जीन्स का एक्सचेंज होता है, तो इसके द्वारा भी म्यूटेशन प्रोड्यूस होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, सी वेलराइट इफेक्ट, इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ जीन्स ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स वेन अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट और डाइज ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, मतलब प्राकृतिक आपदा आती है, तो वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म या तो डेड हो जाते हैं या उस पॉपुलेशन को छोड़कर कोई दूसरी पॉपुलेशन में चले जाते हैं, तो उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर का क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। उस प्रोसेस को जेनेटिक ड्रिफ्ट या स्वेल राइट इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। जब ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो उस प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं। अभी क्यों होता है, ड्यू टू द चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन उनके अकॉर्डिंग ना हो तो उस कंडीशन में सर्च ऑफ फूड और ब्रीडिंग, इन सभी चीज़ों के लिए ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करते हैं। जेनेटिक फ्लो, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका जो फ्लो होता है वो जेनेटिक फ्लो होता है। जैसे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है तो जब डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मतलब वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी डीएनए से पास होकर कहाँ पहुँची, आरएनए में। अब आरएनए के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पहुँचेगी, प्रोटीन में। तो आरएनए से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ये जो प्रोसेस है वन वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए से आरएनए में आएगी, आरएनए से डीएनए में जाएगी और आरएनए से प्रोटीन फॉर्म करेगा, फिर प्रोटीन से आरएनए फॉर्म करेगा। मतलब डीएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होकर आरएनए में आएगी, आरएनए के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होकर प्रोटीन में जाएगी, प्रोटीन के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो वापस से आरएनए में पहुंच जाएगी। मतलब एक सर्कुलर पाथ का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक सर्कुलर पाथ में फ्लो हो रही है। थर्ड वन जो है रिवर्स फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये बाई डायरेक्शनल होती है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, फर्स्ट वन एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन इवोल्यूशनरी इफेक्ट प्रोमिनेंट इन सेवरल आर्थोपोड्स वेयर डार्क पिगमेंटेशन हैव इवॉल्व्ड इन एन एनवायरमेंटल अफेक्टेड बाय इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी, इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट होता चला जा रहा था और इंडस्ट्रीज के कारण बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा था, जिसके कारण इंडस्ट्रीज़ के चारों तरफ जो ट्रीज थे और उनके ऊपर जो इंसेक्ट थे
वो उनसे अफेक्टेड होने लगे। जब पॉल्यूशन नहीं था तो ट्री जो उनका ट्रंक था वो ग्रीन कलर का था, उनके ऊपर लाइकेंस थे और उनके ऊपर जो इंसेक्ट होते थे वो भी लाइट कलर के होते थे, जिससे आसानी से वो उसमें छिप जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट होता गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन फैलता गया। अब इंडस्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलने लगी। अब वो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो ट्री के ट्रंक के ऊपर डिपॉजिट होने लगी, जिसके कारण जो लाइकेंस थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। अब लाइकेन धीरे धीरे ख़त्म होने लगे तो जो ट्री का ट्रंक होता था उनके ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड डिपॉजिट होने से उनका कलर ब्लैक हो गया, लेकिन इंसेक्ट का जो कलर था वो लाइट था। अब इंसेक्ट का कलर लाइट होने के कारण तथा ट्रंक कलर डार्क होने के कारण वो आसानी से छिप नहीं पाती थी और उनके जो शिकारी थे उनको देख लेते थे और उनको फिट कर लेते, खा जाते थे। अब उस कंडीशन में उनको सर्वाइव करना था, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस किए। अपनी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हुए वो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट के कारण हुए, जिससे उनकी जो बॉडी का जो कलर था वो धीरे धीरे डार्क होने लगा, जिसके कारण वो अपने सराउंडिंग के साथ मैच होने लगी और वो अपने प्रेडेटर से आसानी से बच जाती थी। इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। एक इंसेक्ट है बिस्टन बिटुलेरिया टाइपिका। स्टार्टिंग में जब पॉल्यूशन नहीं था तो उसका कलर जो था वो ग्रे कलर का था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बढ़ा तो उसकी बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस आए, तो उसका जो कलर ग्रे से डार्क कलर हो गया। आज एट प्रेजेंट में जो बिस्टन बिटुलेरिया है उसका जो कलर है वो डार्क है और उस स्पीशीज का नाम बिस्टन बिटुलेरिया कार्बोनेरिया हो गया है। नेक्स्ट वन एग्जांपल, रेजिस्टेंस ऑफ मॉस्किटो टू पेस्टिसाइड्स। मॉस्किटो सर्व एज अ वेक्टर फॉर स्प्रेडिंग डिजीज लाइक द मलेरिया एंड फाइलेरिया। जो मच्छर होते हैं एज अ वेक्टर की तरह वर्क करते हैं और ये बीमारियां फैलाते हैं, जैसे मलेरिया और फाइलेरिया। वेरियस इंसेक्टिसाइड हैव बीन यूज टू किल द मॉस्किटो फ्रॉम टाइम टू टाइम। मच्छरों को मारने के लिए अलग अलग समय पर बहुत सारे इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस किए गए थे। अर्लियस DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन वॉज इफेक्टिवली यूज टू किल मॉस्किटो। मच्छरों को मारने के लिए DDT का बहुत अधिक समय तक प्रयोग किया जाता था। हाउएवर नाउअडेज़ DDT हैज़ बिकम इनइफेक्टिव अगेंस्ट द मॉस्किटो। लेकिन एट प्रेजेंट में DDT के प्रयोग से भी मच्छर को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा क्या हुआ, अब उसको एक्सप्लेन करेंगे। टू एक्सप्लेन इन द ओरिजिन पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो सम वर DDT रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग में जो मॉस्किटो की पॉपुलेशन थी वो DDT के कारण किल हो जाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके ऊपर DDT का भी कोई इफेक्ट नहीं होने लगा, वो DDT रेजिस्टेंस हो गए। वाइल द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल वर DDT सेंसिटिव विद द यूज ऑफ DDT एज ए इंसेक्टिसाइड, DDT सेंसिटिव मॉस्किटो डाइड वाइल द DDT रेजिस्टेंस वर एबल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। अब जब DDT का स्प्रेड आउट किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, तो उसके अंदर वही मॉस्किटो सर्वाइव करते हैं जिनकी बॉडी के अंदर DDT के लिए अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया है। दिस रिजल्टेड द इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ DDT रेजिस्टेंस। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि अब जो मॉस्किटो की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो DDT रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट वन, सिकल सेल एनीमिया इन रिलेशन टू मलेरिया। अब मलेरिया का जो सिकल सेल एनीमिया के साथ क्या रिलेशन है वो देखेंगे। दिस डिजीज ऑकर ड्यू टू द डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड कार्पसल जो होती है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका एबनॉर्मल फॉर्मेशन होने लगता है, जिसके कारण डिजीज कॉज होती है। दिस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन S। ये जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है इसको हीमोग्लोबिन S कहते हैं। S का मतलब HbS होता है। एंड ड्यू टू दिस द इरिथ्रोसाइट ऑफ ब्लड बिकम सिकल शेप्ड, जिसके कारण जो RBC होता है उसके अंदर जो
हीमोग्लोबिन होता है, एबनॉर्मल होने के कारण उसका जो शेप होता है सिकल लाइक हो जाता है, जिसके कारण उस पर्सन के अंदर जो सीवियर एनीमिया होता है। होमोजाइगस पर्सन फॉर दिस जीन डाई एट द अर्ली एज ड्यू टू द फेटल एनीमिया। जिस पर्सन के अंदर ये जो जीन होमोजाइगस कंडीशन होती है, तो उसमें सीवियर एनीमिया होने के कारण उस पर्सन की अर्ली एज में डेथ हो जाती है। अगर किसी पर्सन के अंदर ये जो जीन हेटरोजाइगस कंडीशन में है, उनकी बॉडी में माइल्ड एनीमिया होता है। सिकल शेप्ड एरिथ्रोसाइट्स आर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जब एरिथ्रोसाइट का शेप सिकल लाइक हो जाता है, तो उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। मलेरिया पैरासाइट इज नॉट सर्वाइव इन सिकल शेप्ड। जैसा कि जानते हैं कि मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, जो सिकल लाइक आरबीसी होती है, उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता है ड्यू टू दे आर नॉट सफर फ्रॉम मलेरिया। तो ऐसे पर्सन कभी मलेरिया से सफ़र नहीं करते, मतलब उनमें मलेरिया रोग नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज मिमिक्री, द सुपरफिशियल बट क्लोज रिजम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनादर और टू नेचुरल ऑब्जेक्ट एमॉन्ग विच इट लाइव्स दैट सिक्योर इट कंसीलमेंट प्रोटेक्शन और सम अदर एडवांटेजेस। एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के समान दिखने की कोशिश करता है, तो उस प्रोसेस को मिमिक्री कहते हैं। अब वो ऐसा करता क्यों है? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए, या किसी दूसरे एडवांटेजेस के लिए ये प्रोसेस करता है। द ऑर्गेनिज्म विच मिमिक इज नोन एज मिमिक और मिमेटिक। वह ऑर्गेनिज्म जो दूसरे की नकल कर रहा है, उसको मिमिक या मिमेटिक कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म और ऑब्जेक्ट विच इज इमिटेट और कॉपीड इज नोन एज मॉडल। तथा जिसकी कॉपी की जा रही है, उसको मॉडल कहते हैं। एग्जाम्पल, लीफ इंसेक्ट फाइलियम लुक लाइक ड्राई लीफ, स्टिक इंसेक्ट ग्यूरेटिस लुक लाइक ड्राई स्टिक, मेंटिस रिलीजियस लुक लाइक लीफ, केलिमा पेरालेक्टा डीप लीफ बटरफ्लाई। द ऑर्गेनिज्म विच मिमिक इज नोन एज मिमिक और मिमेटिक। वह ऑर्गेनिज्म जो दूसरे की नकल कर रहा है, उसको मिमिक या मिमेटिक कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म और ऑब्जेक्ट विच इज इमिटेड और कॉपीड इज नोन एज मॉडल। तो वह ऑर्गेनिज्म जिसकी नकल की जा रही है, या वह ऑब्जेक्ट जिसकी नकल की जा रही है, उसको मॉडल कहते हैं। एग्जाम्पल, लीफ इंसेक्ट फाइलियम, स्टिक इंसेक्ट ग्वेरेटिस, मेंटिस रिलीजियस लुक लाइक लीफ, केलिमा पेरालेक्टा डेड लीफ बटरफ्लाई।